हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। ये हम लौकी लिए हैं, आज हम लौकी की बर्फी बनाने चले हैं। तो ये लौकी हमारी देख लीजिए, बिल्कुल ही मुलायम है। इसको हम छील के कद्दूकस करेंगे। ये लौकी हम छील लिए हैं, इसको कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करने के बाद बनाना, ये लौकी हम धुल के घिस लिए हैं कद्दूकस। इसको हम रख रहे हैं थोड़ा सा बॉयल हमारा हो जाए, ये हम पानी में डाल के रखते रहे हैं। ये हम इसका सीढ़ा बनाने के लिए एक कटोरी चीनी लिए हैं, उसी कटोरी से हम आधी कटोरी पानी डाल रहे हैं इसमें। ये हमारा बॉयल हो रहा है और इधर हम चाशनी रखे हैं बनने के लिए, पानी ज़्यादा नहीं मिला है, हमको गाढ़ा ही बनाना है इसको। लौकी पक गई है, अब इसको हम छान लेते हैं छन्नी वाली थाली में रख के इस तरीके से। दूध रखे हैं हम खोआ बनने के लिए, दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है, इसको हमको सुखाना है। और इस तरफ हमारी चाशनी बन के रेडी हो रही है, देख लीजिए अभी बनी नहीं है, अभी चिपक नहीं रहा है। एक चम्मच हम इसमें देसी घी डाल रहे हैं और इस लौकी को बॉयल किए थे तो इसको हम देसी घी में भूनेंगे। ये चाशनी हम बनाए थे तो इसमें हम डाल रहे हैं और इसको मिला दे रहे हैं, इसमें खोआ भी मिला दे रहे हैं हम डाल के। सभी चीज़ों को मिला दे रहे हैं। इसमें हम सभी चीज़ मिला दिए हैं, खोआ भी और चाशनी भी, हल्का सा मिठाई वाला कलर ग्रीन डाले हैं। ये हमारा बारीक कटा हुआ बादाम है और ये हमने इलायची लिया है छोटी वाली टूट ली है। सभी चीज़ों को मिला के प्लेट में हमने हल्का सा घी लगा दिया है ताकि ये चिपके ना, इसको हम निकाल रहे हैं। ये हमारी बर्फी बन के रेडी हो गई है, इसमें बहुत हल्का सा हम सूजी मिलाए थे इसको बनाने के लिए। और ये देखिए इतनी सूखी सूखी बन के एकदम टेस्टी बर्फी बन के रेडी हो गई है। और इस तरह आप लोग भी बनाइएगा। अगर मेरा तरीका पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।